आज की कहानी है महान और विद्वान बनने का रहस्य क्या हो सकता है। कई बार आप में से बहुत सारे लोगों का एक सपना होगा कि हम भी कुछ महान काम करें, हम भी प्रसिद्ध हो जाएं, हम भी पढ़े लिखे और विद्वान हो जाएं, लेकिन आखिर कैसे। ये उसी प्रकार है जैसे एक व्यक्ति जो स्पोर्ट्स पर्सन है, क्रिकेट खेलता है, वो आज मैदान पर उतरा ये सोचकर कि मैं सेंचुरी बनाऊंगा। हो सकता है कि वो पहली बॉल पर ही आउट हो जाए या 99 पर आउट हो जाए, उससे बीच में आउट हो जाए, 100 न बना पाए। लेकिन अगर वो ये सोचकर उतरे कि मैं हर बॉल को सही ढंग से खेलूंगा तो सेंचुरी छोड़ो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन सकता है। एक ऐसा ही यंग बॉय महान बनने का विचार लेकर आगे बढ़ता है। विश्वविद्यालय की शिक्षा प्राप्त करने के बाद उसने महान व्यक्तियों की जीवनी ऑटोबायोग्राफीज पढ़ी। किसी ने उसको गुरु मंत्र दिया कि महान बनने के लिए महान लोगों के संपर्क में रहना होगा, तभी महान बन सकते हो। अब वो यंग बॉय उन सभी लोगों के संपर्क में रहना शुरू कर दिया जो साहित्यकार, कलाकार, नेता, विचारक, वैज्ञानिक और भी बहुत सारे डॉक्टर, इंजीनियर थे। लेकिन उस नव युवक ने सभी में से कोई ना कोई दोष निकाला कि इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है। यह सब कुछ देख वह निराश होकर शहर से दूर सुनसान सड़क पर निकल गया और वहां पर निराश होकर बैठा था। अचानक उस सड़क पर एक अधेड़ उम्र के सज्जन से उनकी भेंट होती है। उन्होंने उस यंग बॉय से पूछा कि भाई निराश क्यों हो। वो यंग बॉय बोला, अगर मैं विद्वान और महान दोनों बनना चाहूं तो क्या मुझे कुछ स्पेशल नुस्खा आप दे सकते हैं। तब उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने उत्तर दिया कि महान बनने के लिए महान बनने की इच्छा और विद्वान बनने के लिए विद्वान बनने की इच्छा त्यागनी पड़ेगी। यंग बॉय बोला, आप कैसी बात कर रहे हैं। उस व्यक्ति ने कहा, मैं ठीक ही तो कह रहा हूं, महान बनने के लिए छोटा और विद्वान बनने के लिए विद्यार्थी बनना पड़ता है। आपने तो मेरी आंखें खोल दी, ऐसा वो बच्चा कहता, लगता है आप कोई महापुरुष है या फिर विद्वान। वह व्यक्ति बोला, नहीं मैं कुछ भी नहीं हूं, मगर मैंने लोगों को बनाया जरूर है। आपने अक्सर देखा होगा कि लोग कहते हैं कि वो किंग मेकर है। खुद क्यों नहीं बन पाया, तो खुद नहीं बनने के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। जैसे सिविल सर्विसेज की पढ़ाई की, मैं बन गया कलेक्टर, लेकिन जो मुझे पढ़ा रहे क्या वो कलेक्टर बन पाए। भारत के प्रधानमंत्री बने, जिनको उन्होंने पढ़ाया वो प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन गए। अमिताभ बच्चन सुपरस्टार बन गए, जिन्होंने उनको पढ़ाया वो खुद सुपरस्टार क्यों नहीं बन गए। इसके बड़ी ही अजीब बात है कि आप दूसरों को महान और विद्वान बना सकते हैं तो खुद क्यों नहीं बन पाते। तब उस व्यक्ति का उत्तर था कि क्योंकि मैं एक अध्यापक हूं। क्या सीख मिलती है, हर महान बनने की इच्छा तो रखते हैं पर महान बनने के लिए जो रास्ता है उस पर नहीं चलते। इसलिए ज्ञान अर्जित कर उसे सही दिशा में लगाया जाए, काफी फायदा मिलता। लगातार प्रयास करते जाएं, अपने से छोटे लोगों पर सही ढंग से आप उनके साथ पेश आएं, आप धीरे धीरे महान और ज्ञान से विद्वान बनते चले जाएंगे। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली। 31 मार्च बुधवार फाइनेंशियल ईयर एंडिंग के दिन आपको राशिफल के कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, आपका और आपके परिवार का। चंद सेकंड आप लोगों को चाहूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग में। आज दोपहर में 2:06 तक तृतीया और बाद में चतुर्थी तिथि रहेगी। आज सुबह 9:44 तक स्वाति और बाद में विशाखा नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले वाशी योग, सुनफा योग, हर्षण योग और वज्र योग का साथ आज आपको मिलेगा। अगर आपकी राशि मेष, कर्क, तुला और मकर है तो शश योग, और मिथुन, कन्या, धनु और मीन अगर आपकी राशि है तो मालव योग का लाभ मिलेगा। वही आज भी राहु और मंगल का अंगारक दोष रहेगा, चंद्रमा आज तुला राशि में रहेंगे। आज के दिन अगर आप किसी शुभ कार्य के लिए शुभ समय की तलाश में तो वो आपको एक बार मिलेगा। शाम 5:15 से 6:15 ये लाभ का चौघड़िया है। कोशिश करिएगा कि दोपहर 12:00 से 1:30 तक राहुकाल के समय शुभ और मांगलिक कार्य नहीं करें। प्रिय साथियों, आज दोपहर में 2:06 तक पाताल लोक की बद्रा रहेगी, तो तब तक तो वैसे भी शुभ कार्य नहीं होते हैं। प्रिय साथियों, आज 6 राशि के राशिफल के बाद मैं अपने बच्चों की या आपकी स्ट्रेंथ, इंटेलिजेंस को कैसे बढ़ाया जाए, आज बुधवार के दिन गणेश जी जैसी बुद्धि हमें कैसे मिले, इसका एक विशेष उपाय बताऊंगा। प्रिय साथियों, कल मैंने आप लोगों से एक सवाल पूछा था कि दोपहर के समय क्यों नहीं की जाती है पूजा और उसके क्या है फायदे न करने के, इसका जवाब मैं कार्यक्रम के अंत में दूंगा। आइए राशिफल की शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह मेष राशि से। आपको एक बिजनेस पर्सन बनना है, भले ही आप जॉब करते हैं या नहीं भी करते हैं, हर काम को एक प्रोजेक्ट और लाभ के हिसाब से चलना है, किसी का नुकसान करके नहीं। जो लोग मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग, रिसाइकलिंग, कोई भी लिक्विड से संबंधित काम कर रहे हैं, उन बिजनेस करने वाले लोगों के लिए आज का दिन बड़ा अच्छा है।
व्यावसायिक यात्रा भी होगी और सफलतादायक रहेगी। जो लोन आपने लिया है उसे चुकाना, एंट्रीज को बराबर करना, आज फाइनेंशियल ईयर एंडिंग है तो लोन अप्रूवल हो सकता है आपका, कोई रजिस्ट्री हो सकती है, हो सकता है कि जो एंट्रीज आपकी बाकी हैं, आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट कहते हैं कि भैया इसे पूरा करिए, तो पूरा करने का दिन है। शत्रु पराजित होंगे, फिर भी आपको सावधान जरूर रहना चाहिए। जॉब में आपको अच्छा लाभ मिल सकता है, आपने बहुत अच्छा काम किया जिससे आपकी पीठ थपथपाई जाएगी, आगे के लिए आपको योजना बनाने का वक्त मिलेगा। अपनी गलतियों और दूसरों के अनुभवों से सीखकर आप अगले साल की पूरी प्लानिंग कर सकते हैं। अपनी फुल टाइम जॉब के साथ साथ पार्ट टाइम नई जॉब के लिए या पार्ट टाइम जॉब के साथ नई पार्ट टाइम जॉब भी आपको मिल सकती है। फ्रीलांसर्स और सर्विस प्रोवाइडर लोगों के लिए बड़ा अच्छा दिन है। बेरोजगारी दूर करने के लिए जॉब को अप्लाई करना, जॉब में परिवर्तन, जॉब चेंज करने बारे में सोच सकते हैं। सुख के नए साधन पर धन खर्च होगा। दाम्पत्य जीवन, लव लाइफ और रिलेशनशिप में आ रही परेशानियों को आप अपनी बुद्धिमत्ता से दूर करने में अब सफल होंगे। बुद्धि वह आग है जो संपूर्ण जगत को अकेले रोशन करने का साहस दिखा सकती है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, मार्गदर्शन के लिए बुजुर्गों और टीचर और अपने कोच मेंटर का सहारा ले सकते हैं और किसी बड़ी समस्या का हल सहज ही प्राप्त कर सकते हैं। थोड़ी थकान और आलस्य भी आपको महसूस होगा, इसके लिए योग प्राणायाम के साथ आगे बढ़िए। लकी कलर पिंक नंबर 5 शुभ रहेंगे। वृषभ राशि, मानसिक तनाव थोड़ा बढ़ेगा, ऐसे एनवायरमेंट और ऐसे लोगों से दूर रहें जो आपको मानसिक तनाव देते हैं। कॉम्पिटिटर्स होने चाहिए, कॉम्पिटिशन भी होना चाहिए लेकिन हेल्दी, कहीं गला काट प्रतिस्पर्धा ऐसी ना हो जो दुश्मनी लीगल कॉम्प्लिकेशन में आपको ढकेल दे, इससे बचिए, जिनका असर आपके व्यापार पर भी बुरा हो सकता है। सितारों का साथ पूरे तरीके से आज आपके साथ में नहीं है, इसके आत्मविश्वास को रखते हुए हर काम को करें। जैसा हमारा आत्मविश्वास होता है वैसी ही हमारी क्षमता बढ़ती है। आज बिजनेस को अच्छा चलाना और अपनी एंट्रीज को क्लियर करना, आय में नई जो वृद्धि कर सके आने वाले टाइम में, पिछले साल से सबक लेना आपके लिए शुभ रहेगा। लेकिन जोखिम भरे कानूनी निर्णय आज नहीं लें। करियर निर्माण के क्षेत्र में उम्मीद की किरण जग रही है जो भविष्य में लाभ और सुख जरूर प्रदान करेगी। आत्मचिंतन, आत्मनिरीक्षण यानी सेल्फ असेसमेंट के लिए एकांत में बैठिए, आपको पुण्य और लाभ मिलेगा। नौकरी में कुछ बदलाव भी अब संभव है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, अपने टीचर, कोच, मेंटोर से वीडियो कॉलिंग, कॉन्फ्रेंसिंग, ग्रुप डिस्कशन से लाभ मिलेगा। सेहत में थोड़ा सुधार जरूर हो रहा है। लकी कलर पर्पल नंबर 2 शुभ रहेंगे। मिथुन राशि, आप खुद संतान हैं तो माँ बाबूजी का पूरा सुख मिलेगा। आप माँ बाबूजी हैं, संतान सुख और संतान से सुख मिलेगा। बॉन्डिंग को मजबूत करने के लिए घर में कुछ संस्कारवान काम करिए, मजा आ जाएगा। मार्केट में आपके बिजनेस करने के रवैया या रवैये दूसरों को प्रेरित करेंगे। प्रेरणा का सबसे बड़ा सोर्स आपके विचार हैं, इसीलिए बड़ा सोचें और रोज जीतने के लिए प्रयास करें। अनुभवी लोगों से सहयोग प्राप्त कर सकेंगे। वर्क प्लेस पर कार्य में कमी आएगी और दिन सुकून से काम करते हुए गुजरेगा। शांति से काम करने और हर परिस्थिति का अच्छे से सामना करने का है आज का दिन। परिवार के सभी सदस्यों का ध्यान रखना कई बार हमारे लिए संभव नहीं हो पाता है, लेकिन जिसको ज्यादा जरूरत है उनका ध्यान दीजिए, आपको आशीर्वाद और पुण्य लाभ जरूर मिलेंगे। और आपके लिए आज हो सकता है लाभ न मिले लेकिन भविष्य में लाभ जरूर मिलेगा। मनपसंद भोजन, मनपसंद लोगों से मिलना, एंटरटेनमेंट आपको जरूर मिलेगा, उससे स्ट्रेस हल्का हो जाएगा। प्रेम प्रसंग, लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर साथ कोई जोखिम भरी बात ना करें, वरना बैठे बैठे आपके रिलेशन खराब हो जाएंगे। जल्दीबाजी में चलना, जल्दीबाजी में काम करना नुकसान दे सकता है, इसके लिए भक्ति, पूजा पाठ मानसिक सुकून देंगे। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स को, आपको अपने अपने क्षेत्र में कैसे सफलता प्राप्त करनी, इसका नुस्खा किसी और से नहीं, एकांत में बैठकर खुद से मिलेगा। सिर दर्द और बदन में दर्द तकलीफ देगा, इसके लिए स्ट्रेचिंग करें और आगे बढ़े। लकी कलर ग्रे नंबर 7 शुभ रहेंगे। कर्क राशि, जमीन और जायदाद के रेनोवेशन, डॉक्यूमेंटेशन, खरीद फरोख्त में आपको लाभ मिलेगा, लेकिन अगर ऐसे मुद्दे उलझे हुए हैं तो उन्हें सुलझाने का प्रयास जरूर करें। जो लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ऐसा काम करते हैं जो प्रिंटिंग प्रेस का है, उन बिजनेस करने वाले लोगों को कुछ तकलीफ आ सकती है आने वाले समय में। आपको पता है कि आजकल तो जो शादियों के कार्ड या किसी प्रकार के कार्ड होते थे वो सिर्फ गांवों में ही रह गए हैं, धीरे धीरे ई कार्ड अब प्रचलन में आ गया है। इसलिए समय के साथ अपने आप को परिवर्तन करना, दूसरी चीजों में आपको इन्वॉल्व करना चाहिए जो टेक्नोलॉजी के साथ हो,
तभी लाभ मिलेगा। और इसके बावजूद अगर आप ये नहीं करते हैं तो आपके लिए आने वाले टाइम में टेंशन बढ़ जाएगी। वर्क प्लेस पर कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन आज आपकी सूझबूझ से वो कम हो जाएगी। नौकरी में काम करते हैं कुछ अनचाही गलतियां भी होती रहती हैं, आपकी इमेज खराब हो सकती है, ध्यान रखिएगा। और स्पेशली पुरुष को महिला और महिला को पुरुष से बात करते समय बहुत ध्यान रखना चाहिए। पारिवारिक माहौल के सात समंदर में जैसे ज्वार भाटा आता है वैसे आ जाएगा, इसलिए लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ धीरज धैर्य और संयम, चेहरे पर मुस्कुराहट, जुबान में अच्छे शब्द और हाथ में छोटा या बड़ा गिफ्ट हो तो क्या कहने, लव पार्टनर के साथ रिलेशन अच्छे बनेंगे। धीरज रखने वाला व्यक्ति आत्मविश्वास की नाव पर सवार होकर मुसीबत की नदी सफलतापूर्वक पार कर जाता है। आलस्य त्याग कर स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपने अपने क्षेत्र में जुट जाएं। कमजोर हाजमा स्वास्थ्य में गिरावट का कारण बन सकता है। लकी कलर व्हाइट नंबर वन शुभ रहेंगे। सिंह राशि, छोटी हो या बड़ी हो, भाई हो या बहन हो, उनके साथ बॉन्डिंग मजबूत करना, छोटे बड़े सेक्रीफाइस, कॉम्प्रोमाइज, एडजस्टमेंट को करके आप परिवार में खुशी ला सकते हैं। जो लोग फ्रीलांसर्स हैं, कम्युनिकेशन का काम करते हैं, ऑनलाइन टीचिंग का काम करते हैं, सर्विस प्रोवाइडर लोग हैं, उन लोगों के लिए अच्छा मध्यम से अच्छा फल प्राप्त करने का दिन है। मेहनत के साथ साथ स्मार्ट वर्क करिएगा, आप दिन बहुत शानदार अपना बना लेंगे। कुछ कर दिखाना है तो कांटों भरी राह पर चलना पड़ेगा। आसमान को छूना है तो कड़ी धूप में भी तपना होगा। जिंदा दिली के इन क्षणों में आगे बढ़ें, किंतु वास्तविकता से दूर न जाएं। अप्रत्याशित खर्च सामने आएंगे, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर और उसमें दिखावा कर्जे को बढ़ा देगा। अपेक्षित कार्यों में थोड़ा विलंब होगा। पारिवारिक समस्याएं थोड़ी बनी रहेगी, लेकिन आप वर्क प्लेस पर वर्क करें और घर पे अपने परिवार को वक्त दें, तब ही आप इसको बैलेंस और शानदार कर पाएंगे। और वहीं वर्क प्लेस पर पुराने मनभेद और मतभेद अगर किसी से दूर हैं तो गले मिल के गिले और शिकवे दूर कर दें, इसी से आपके दिल का बोझ कम होगा और कार्य में प्रगति हो पाएगी। आपकी गृहस्थी अच्छी रहे इसलिए पति पत्नी दोनों मिलकर परिवार के सदस्यों के साथ कुछ खरीदने का मौका मिलेगा, जरूर जाइए। अपने कपड़ों और व्यवहार से अपने उत्साह और आत्मविश्वास को प्रदर्शित करने की कोशिश जरूर करेंगे। जीवन साथी, जीवन संगिनी को समय देंगे और घर में आनंद का माहौल बनाने के लिए आज अपने ससुराल से भी आपको कुछ मदद उनकी करनी चाहिए, लेनी चाहिए, एटलीस्ट गिले शिकवे दूर करने चाहिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स के लिए टीचर की सीख और दोस्तों के साथ ग्रुप डिस्कशन से बड़ा लाभ मिलेगा। सेहत को लेकर आप आज टेंशन फ्री रहेंगे। लकी कलर क्रीम नंबर फोर शुभ रहेंगे। कन्या राशि, आज अपने फाइनेंस पर विचार करिए, कितना पैसा है, पैसे से पैसा कब बनेगा, कब तक बनेगा, कैसे बन सकता है, इस पर विचार करें। खर्च और कर्ज को कैसे कम किया जाए ताकि हम आने वाले फाइनेंशियल को ईयर को और बेटर बना सकते हैं। मेडिसिन, आयुर्वेदिक दवाएं, केमिकल्स का बिजनेस करने वाले लोगों, व्यापारियों, जॉब करने वाले लोगों के लिए आज बड़ा अच्छा दिन है। स्पा, सलून, मेडिटेशन सेंटर या जिम, योगा सेंटर चलाने वाले लोगों के लिए बड़ा शानदार दिन है। नए लोग मिलेंगे, नए संपर्क बढ़ेंगे, साथ ही व्यापार में आ रही कानूनी या दूसरी अड़चनें भी कम हो जाएगी। वर्क प्लेस पर आप अपने विरोधियों से भी अपने कार्य करवाने की कला में महारत हासिल कर लेंगे। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा, घर बाहर प्रसन्नता रहेगी, बाहर जाने का मन बनेगा, लेकिन आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण अब रखना होगा। जीवन साथी, जीवन संगिनी के साथ कुछ समय बिता सकते हैं, किसी अपने का व्यवहार हृदय को चोट पहुंचा सकता है। कोयल तब तक मौन रहती है जब तक उसकी मधुर वाणी नहीं फूट पड़ती। जब भी बोलो मधुर बोलो, कड़वा बोलने से चुप रहना ही बेहतर है। पारिवारिक सहयोग भी मिलेगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स के लिए पढ़ाई में जुटे रहना बहुत शुभ रहेगा और आज संभव है आप किसी स्पेशल व्यक्ति को अपने दिल का हाल बता दें, जिससे आपके जीवन के नए चरण की शुरुआत हो जाए। शारीरिक कष्ट थोड़े संभव है और थ्रॉट इन्फेक्शन भी संभव है, ध्यान रखिएगा। लकी कलर गोल्डन नंबर सेवन शुभ रहेंगे। प्रिय साथियों, आइए छह राशि के बाद बात करते हैं एक विशेष उपाय की जो हमारी संतान की स्ट्रेंथ, इंटेलिजेंस को और बेटर कर सकती है। इसके लिए बुधवार सबसे अच्छा दिन होता है क्योंकि गणेश जी ज्ञान भी था उनके पास और बुद्धि के साथ साथ क्लेवर भी बहुत थे। आज के दिन बच्चे के लिए मां, बुधवार के दिन बाल धोने से परहेज करें, बच्चे पर अच्छा असर पड़ता है। इस दिन मां दुर्गा की आराधना करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना, अर्घ या कीलक का पाठ करना और घी का दीपक मां के सामने प्रज्वलित करके लाल पुष्पों की माला अर्पित करें। गुड़ के हलवे का
जो है ना भोग लगाएं और फिर वहीं पर बैठकर 11 मिनट तक ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र का जाप करें, बहुत पुण्य और लाभ मिलेगा। प्रिय साथियों, आइए राशिफल की तरफ लौट चलते हैं। तुला राशि, मन शांत रहेगा, चंगा रहेगा और आपको ऐसा लगेगा कि हाँ अब हम और बेटरमेंट की तरफ जा रहे हैं। बिजनेस में सभी सुरक्षित और जिम्मेदार आर्थिक विकल्प खोजिए। वर्क प्लेस पर शांत रहें और ध्यान करें ताकि सभी परिस्थितियों में खुद को संतुलित बनाए रखा जा सके। वर्क प्लेस पर विवादों से दूरी बनाए रखने से ही आपकी भलाई है। पारिवारिक सहयोग प्राप्त होगा और देना भी चाहिए। वस्तुएं संभाल कर रखें और धारदार हथियार, आग, करंट ऐसी चीजों से नुकसान हो सकता है, ख्याल रखिएगा। परिजनों से मोबाइल पर लंबी बात करके अच्छा लगेगा। माँ पिताजी की सेहत को लेकर थोड़ी चिंता बढ़ेगी। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स नए और पुराने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया के माध्यम से, दूसरे और माध्यम से कम्युनिकेशन आपका शानदार रहेगा, तो आज कॉन्टैक्ट्स भी बनेंगे और उनसे आपको गिले शिकवे दूर करने का मौका मिलेगा। और जब सुख मिल गया, शांति मिल गई, तो आप एक्स्ट्रा और एडवांस में काम कर सकते हैं। स्वास्थ्य पर धन खर्च होगा। लकी कलर नेवी ब्लू, नंबर 3 शुभ रहेंगे। वृश्चिक राशि, कुछ खर्च बढ़ रहे हैं और कर्ज बढ़ रहे हैं, सावधान हो जाएं। लेबर, डीलरशिप, रिक्रूटमेंट का काम करने वाले लोग, ऐसे काम करने वाले लोग जो कि आपने, आपको पता होगा कि ठेके पर लेबर देते हैं, कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज, बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं, उनको कुछ विवाद का सामना करना पड़ सकता है, ध्यान रखिएगा। धीरज, धैर्य और संयम से ही लाभ मिलेगा। वर्क प्लेस पर आपसे सभी वरिष्ठ जनों की अपेक्षाएं अधिक रहेंगी और संभवतया आप अपनी अपेक्षाएं, एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर पाए, इसलिए छोटे छोटे गोल बनाकर आगे बढ़ोगे तो मजा आएगा। परिवार में अचानक किसी की तबीयत बिगड़ सकती है, लेकिन आपके विशेष प्रयास से सुधर जाएगी। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर से बातचीत करते समय कुछ ऐसा बोल जाओगे कि बैठे बैठाए अच्छा खासा माहौल अड़चन पैदा कर देगा, इसलिए आप अच्छा बोलें, मन ऐसा रखें कि दूसरों को खुश किया जा सके। कभी भी निराश और निराशावादी बातों से दूर रहने का ही प्रयास करना चाहिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपने अपने क्षेत्र में अपनी निपुणता यानी एक्सपर्टीज सिद्ध करके अहंकार ना जताएं। पेट गड़बड़ हो सकता है गलत समय पर भोजन करके और गलत भोजन करके, इससे बचिए। लकी कलर येलो, नंबर 4 शुभ रहेंगे। धनुराशि, आमदनी में थोड़ी बढ़ोतरी होगी, इनकम बढ़ने से बड़ा लाभ मिलेगा और इस लाभ से आने वाले टाइम में पैसे से पैसा आप कमा लेंगे। आपकी समझदारी और बुद्धिमत्ता से ऑनलाइन या फ्रीलांसर सर्विस प्रोवाइडर लोगों के हाथ बिजनेस लगेगा, बड़ा काम लगेगा। सेल्स, परचेस, मार्केटिंग से जुड़े हुए लोग लाभ प्राप्त कर सकेंगे। नई योजना भी बनेगी, लेकिन लेन देन में सावधानी जरूर रखें। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में नुकसान बड़ा हो सकता है। वर्क प्लेस पर कार्यप्रणाली, जो रूटीन काम है उसमें थोड़ा सा सुधार होगा और बेटर करने का मौका मिलेगा। जॉब में आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा और सुख के नए साधन प्राप्त होंगे। पर सुखी मैं ही रहूं, बाकी कोई ना रहे, यह मत सोचिएगा। आरोग्य भी ठीक रहेगा और अपनी दैनिक, अपनी रूटीन में थोड़ा थोड़ा बदलाव करके बड़े लाभ कमाए जा सकते हैं। जीवन साथी और लव पार्टनर के साथ सुर, ताल और लय एक टॉनिक का काम करेगा। शाम को एकांत में घूमने निकल जाएं, साइकिलिंग पे निकल जाएं, पैदल निकल जाएं, बिना मोबाइल के निकलें, बातचीत करें एक दूसरे के बारे में, देखिएगा बॉन्डिंग मजबूत होगी। संतान से जुड़ी हुई कोई खबर जिसका इंतजार था वो सुकून देगी। जिंदगी हो या खेल, कोई सा भी, आपसी तालमेल के बिना हार निश्चित है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स आत्मविश्वास के साथ अपने अपने क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। स्वास्थ्य के लेकर किए गए प्रयासों से आपको सेहत में सुधार महसूस होगा। लकी कलर ऑरेंज, नंबर 1 शुभ रहेंगे। मकर राशि, पिता, ग्रैंड पेरेंट्स, इनके आशीर्वाद से, इनके आदर्शों पर चल के, इनके विचारों पर, पद चिन्हों पर चल के आपको बड़ा पुण्य और आशीर्वाद मिलेगा। जो लोग लिक्विड का काम करते हैं, चाहे वो ऑयल हो, मिनरल वाटर हो, पेट्रोल हो, कुछ भी हो सकता है, उस सप्लायर्स के व्यवसाय में वृद्धि होगी, नए काम बनेंगे। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना चाहते हैं, खेती करना चाहते हैं, खेती के उपकरण का काम करना चाहते हैं, कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज, बिल्डिंग मटेरियल का काम करना चाहते हैं या कर रहे हैं, तो यात्रा नए लोगों से संपर्क देगी और आपको पुण्य और लाभ मिलेगा। बकाया वसूली के प्रयास आज सफल होंगे। वर्क प्लेस पर कोई बड़ा काम करने का मन अब बन सकता है। प्रसन्नता में वृद्धि होगी, साथ ही थकान भी आपको महसूस होगी, लेकिन स्ट्रेचिंग, योगा करके ठीक हो सकता है। सरकारी महकमे और कुछ अधिकारी जो कॉम्पिटिटर्स है, उनसे आपको उलझने से बचना चाहिए। आप अपने जीवन साथी या जीवन संगनी, लव पार्टनर की रुचि पता लगाइए, उनकी क्या हॉबी है, क्या करें कि वो खुश हो जाए, वो करने से बहुत खुश होंगे और आपको
सुकून मिलेगा। समय आज अपने लव पार्टनर के साथ अच्छा व्यतीत होगा इवनिंग में। यह समय परिवार को भी दीजिएगा। मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वाले को पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। दूर रह रहे संबंधियों से मोबाइल पर संवाद होगा, कम्युनिकेशन होगा, किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपनी कड़ी मेहनत से मिली हुई पहचान से संतुष्ट होंगे। जोड़ों में दर्द, एल्बो में तकलीफ जो थी वो कम हो जाएगी। आप इस पर ध्यान दीजिए, एक्सरसाइज करें। लकी कलर ग्रीन, नंबर 5 शुभ रहेंगे। कुंभ राशि, ज्ञान, विवेक, बुद्धि, IQ, EQ लेवल में डेवलपमेंट होगा। बिजनेस में आत्मविश्वास से काम लेंगे। अभी आप अपने बाहरी रूप को लेकर बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, लेकिन आत्ममंथन और चिंतन करके देखिए अंदर से आप कैसा फील कर रहे हैं, तब आपको मजा आएगा। लाभ के नए अवसर हाथ लगेंगे। नौकरी में पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और अच्छे काम करके आपको सुकून मिलेगा। वर्क प्लेस पर दूसरे लोग आपके व्यक्तित्व की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। लोग अब आपकी पीठ पीछे भी तारीफ करने लगे हैं। संतान से आपको हौसला बुलंद करने का मौका मिलेगा। परिवार के साथ भोजन करें और उन विचारों को शेयर करें जो आपके दिमाग में है। मित्र व संबंधियों के साथ अच्छा समय व्यतीत जरूर होगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें स्टूडेंट। स्टडी में जरूरी टॉपिक से भूल जाने, भटक जाने से अफसोस होगा, इसलिए प्यार, इश्क और मोहब्बत को उतना ही वक्त दीजिए जितना उसकी जरूरत है। आप अपने करियर लक्ष्य, पढ़ाई, खेल से भटककर सिर्फ वही काम करेंगे तो ना घर के रहेंगे ना गार्ड के रहेंगे। अपने जीवन से अफसोस शब्द को हटाओ क्योंकि ये बहुत कुछ करने से रोकता है। स्वास्थ्य का पाया और मजबूत होगा। लकी कलर सिल्वर, नंबर 6 शुभ रहेंगे। मीन राशि, यात्रा करने का समय और अवसर मिलेगा, लेकिन बहुत सतर्कता रखिएगा। बिजनेस में आपके किसी पुराने विवाद, पुराने जो प्रतिद्वंदी थे, लड़ाई झगड़ा था, लीगल कॉम्प्लिकेशन थे, उससे बाहर निकलने, उस जो मानसिक तनाव था उससे कम करने के आपको अवसर आज मिलेंगे। नौकरी पेशा लोग, अच्छी संगत, तार्किक रूप से सोचने में जो असमर्थ थे वो आज ठीक समर्थ हो जाएंगे। वर्क प्लेस पर आपका काम सामान्य से बेटर गति से चले, ख्याल अच्छा है, लेकिन कैसे, इसकी मोडस ऑपरेंडी स्ट्रेटेजी बनाइए और उसके बाद काम पर लगिए। परिवार के कुछ महत्वपूर्ण कार्यों को कल के लिए नहीं टालें, अन्यथा आपके लिए भविष्य में कोई जटिल समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। अच्छे काम करने के लिए हर वक्त अच्छा होता है। कार्य को कल पर टालना फिर सही समय का इंतजार करना केवल एक धोखा है जो हम स्वयं को देते हैं। मैरिटल लाइफ, लव पार्टनर्स में किसी बेकार की बात, पुरानी बातें बतंगड़ों का माहौल बना देगी। अच्छे खासे माहौल में बहस से बचने की कोशिश करें और प्यार, इश्क और मोहब्बत को लाने की कोशिश करें। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, जैसी सफलता चाहोगे वैसी आपको कर्म करने की आदत अब डाल देनी चाहिए, वरना उदासी रह जाओगे। लकी कलर ब्राउन, नंबर 8 शुभ रहेंगे। प्रिय साथियों, कल मैंने आप लोगों से एक सवाल पूछा था कि दोपहर के समय क्यों नहीं की जाती है पूजा। कहते हैं सुबह जल्दी भगवान की पूजा करने से मन को शांति मिलती है, जबकि देर से उठने पर दिन भर आलस्य बना रहता है। सुबह जल्दी जागना, स्नान, पूजन आदि का करना सनातन धर्म में बहुत महत्व रखता है। ऐसा माना जाता है कि दिन के प्रहर में उठकर साधना करना श्रेष्ठ होता है, ऐसी प्राचीन मान्यता है। ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह 3 से 4 बजे के बीच का समय सबसे अच्छा होता है। यह दिन की शुरुआत होती है और इसमें क्या होता है, जितनी संसार की नेगेटिविटी है, शोर शराबा है, वो सब शांत हो चुका होता है और अच्छी नींद के बाद डायरेक्ट कनेक्शन भगवान से हो जाता है। हमारे ऋषि मुनियों ने इस मुहूर्त में ही जागने की परंपरा स्थापित की है। यह हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है और स्पिरिचुअलिटी के लिए भी। सूर्य उदय के पूर्व और रात का अंतिम समय होने से ठंडक भी होती है, नींद से जागने पर ताजगी रहती है और मन एकाग्र करने में अधिक प्रयास नहीं करना पड़ता है। इसके विपरीत दोपहर में पूजा इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि हमारे यहाँ ऐसी मान्यता है कि दोपहर का समय भगवान के विश्राम का समय है, इसीलिए उस समय मंदिर के पट बंद हो जाते हैं। साथ ही सुबह 12 बजे के बाद पूजन का पूरा फल प्राप्त नहीं होता है क्योंकि दोपहर के समय पूजा में मन पूरी तरह एकाग्र नहीं होता है, इसीलिए सुबह की गई पूजा का ध्यान का और पूजा और त्याग का महत्व माना गया है। प्रिय साथियों, अब एक सवाल के साथ हमेशा की तरह छोड़े जाता हूं। पैसों का गिरना, कई बार आपने देखा होगा सिक्के गिर जाते हैं, नोट गिर जाते हैं, छोटे से बड़ा व्यक्ति उसे झुककर उठाता जरूर है, क्या वो गिरना शुभ है या अशुभ, इसका जवाब मैं कार्यक्रम के अंत में कल दूंगा। स्वस्थ, मस्त और व्यस्त रहिएगा इस फ्राइडे, सैटरडे और संडे को।
तीन दिन लगातार आप मुझसे टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा जुड़ सकते हैं, जिसमें आप मुझे और मैं आपको देखकर हम बात करेंगे। इसके लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करके शिव जी, कुलदीप जी और दीपा जी से आप संपर्क करके अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद।